गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीक में हम जो एक्टिविटी करेंगे वो है हैंड प्रिंट क्रैब। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो बच्चे के हैंड्स है इसके ऊपर रेड कलर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम बच्चे के हाथ में रेड कलर ले लेंगे और इसका प्रिंट हमने हमारी जो व्हाइट कलर की शीट ली है इसमें लेंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से बच्चे का हैंड प्रिंट एक साइड से ले लेंगे। इसके बाद जो बच्चे का दूसरा हाथ है उससे हम हैंड प्रिंट लेंगे। ये देखिए, हमने बच्चे के एक हाथ का प्रिंट ले लिया है। इसके बाद जो दूसरा हैंड है बच्चे का, इसमें हम इस तरह से रेड कलर ले लेंगे और इसको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से हमने हैंड प्रिंट लेना है। ये देखिए, इसके ऑपोजिट साइड हमने बच्चे का सेकेंड हैंड प्रिंट ले लिया इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से दो हमने हैंड प्रिंट ले लिए। इसके बाद ये वाले दोनों जो हमारे ऊपर वाले पार्ट होते हैं इसको हम अपनी फिंगर में थोड़ा सा कलर लेके इस तरह से बना देंगे। आप फिंगर्स से भी बना सकते हो और अगर आप चाहो तो इसे हम ब्रश की हेल्प से इससे भी हम इजीली बना सकते हैं। इस तरह से क्रैब के जो पंजे होते हैं इसी तरह जो हमारी सारे फिंगर्स हैं इसको भी हम ब्रश की हेल्प से सेम इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे सूखने देंगे ताकि हम स्केच पेन से या मार्कर से इसका फेस बना सकें। ये देखिए, इसके बाद हम जो स्केच पेन है या मार्कर आप यूज कर सकते हो इसकी हेल्प से यहाँ पे क्रैब के आइस बना लेंगे। आइस बनाने के बाद इस तरह से क्रैब का फेस बना सकते हैं। अगर कलर अच्छे से सूखा नहीं होगा तो इस पे आप मार्कर यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको हमने अच्छे से सुखा लेना। ये देखिए, कितने इजीली हमने हमारी ये एक्टिविटी फिनिश करी है। इसमें हमने सिर्फ बच्चे के हैंड प्रिंट से एक क्रैब बनाया है जो कि आप इजीली बना सकते हो। थैंक यू।